के सरकार को कोसने का काम में लगा है। हमारे आसाम में गए आदिवासी भाइयों को तो इन लोगों ने कोई मदद दिया नहीं, आदिवासियों का दर्जा दिया नहीं, और उन लोगों को भूखा मरने के लिए मजबूर कर रखा है। हम लोग भी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को वहाँ क्यों हक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, क्यों आदिवासियों का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्यों हमें आदिवासी धर्म कोड नहीं दिया जा रहा है, उनसे पूछिएगा। अभी अलग अलग लोग झारखंड के भी कुछ नेताओं को उन लोगों ने खरीद कर अपने पाले में कर लिया है। इनका काम ही है नेताओं को खरीदो और उसका दुरुपयोग करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें अभी शुरू होगी, गांव गांव में ये जात धर्म का जहर बीज बोएगा। कई मंदिर मस्जिदों में मांस कोई काट काट के फेंकने का काम करेगा और सामाजिक तनाव फैलाने का काम करेगा। याद रखिएगा, जो लोग इस तरीके का काम करेगा इन लोग को पकड़ के रखिएगा और पुलिस के हवाले कर दीजिएगा। किसी में डरने की आवश्यकता नहीं है, झारखंड वीरों का राज है। हम लोग जब तक लड़ते हैं तब तक जीवित रहते हैं। अगर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमको अलग अलग राज्यों में ले जाकर के फेंक दिया, उसी तरीके से अब ये व्यापारी लोग भी हम लोग को उठा उठा करके यहाँ वहां फेंक के आ जाएगा। इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, यहाँ का जल जंगल हमारा है, और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए हम और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वहाँ बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया, घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा कि जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है, तो आस पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं। सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं, लेकिन जहाँ लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जहाँ जहाँ लोग लड़ते हैं वही इनकी रोटी, राजनीतिक रोटी पकना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा, बड़ा बड़ा ये लोग, ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस करके हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा, तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके।